आइए माशाल्लाह माशाल्लाह। बस सायरा बीबी क्या है? और देखिए आपके नवाब साहब तशरीफ लाए हैं, अब तो ये हवालात में भी इसी तरह आते जाते रहेंगे। हवालात में जाए मेरे बेटे के दुश्मन, ये क्यों जाए हवालात में? क्या बात है, क्या हो गया? सलमा भाभी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रही हैं, वहीं जाकर सवाल जवाब करना तुम। अरे किस बात की रिपोर्ट करा दी, क्या किया मैंने? अगर तुम इतने ही शरीफ ज्यादे हो तो ये बताओ कि आयशा के मोहल्ले में क्या करने गए थे? क्या वो मोहल्ला उन्होंने खरीद रखा है? गया था मैं किसी काम से। हाँ मैं जानता हूँ किस काम से गए थे, अब आप खुद ही फरमा दीजिए कि किस काम से आप गए थे। मैं गया था कि आप क्या हर काम आपको बता के करूंगा। हाँ, काम नहीं करता, काम नहीं करता। अब जब मेरा बच्चा काम कर रहा है तो तुम्हारी भाई की बीवी को क्या जरूरत थी हमारे घर में आके आग लगाने की? सारा बीबी मैं जानता हूँ ये किस काम से वहां गया था। अब्बा तुम तो किसी हाल में खुश नहीं हो, बस शुरू कर दिया ना मैंने कोई काम। अम्मा तुम अब एक काम करो, जाओ आयशा से जाके मेरी शादी की तारीख तय करो। खबरदार तो तुमने आयशा का नाम भी लिया, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं गला दबाकर तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या ऊटपटांग बातें कर रहे हो, बेटे को जान से मार दोगे? तुम्हें पता है कितनी मन्नत मुरादों के बाद ये पैदा हुआ है? इससे तो अच्छा था कि पैदा ना ही होता। अरे किस बात की सजा दे रहा है ये हमें, क्या हम इसके माँ बाप हैं इस बात की? किस तरह की बातें कर रहे हो, इकलौता बेटा है हमारा, अगर इसे कुछ हो गया तो हम जी पाएंगे? अरे बस बहुत हो गया, मैं आखिरी बार बता देता हूँ, अगर मेरी शादी आयशा से नहीं हुई ना तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी। अब मैं इसे किस तरह समझाऊं कि ना मैं इसकी शादी आयशा से करवा सकता हूं ना कोई और करवा सकता है। आ रहा हूं भाई, अगर मुनीर को लफंगा दोस्त हुआ तो हाथ तोड़ दूंगा। जी फरमाइए। गुलाम अब्बास का घर यही है? जी। तुम ही गुलाम अब्बास हो? जी हाँ मैं हूँ, क्या बात है? तुम्हारा बेटा लॉकअप में बंद है। क्या किया उसने? उसके पास से पिस्तौल बरामद हुआ है और वो कह रहा है ये मेरे बाप गुलाम अब्बास यानी तुम्हारा है। जी मेरा पिस्तौल है। लाइसेंस है तुम्हारे पास? जी लाइसेंस है, मैं भी लेकर आता हूँ। तो बात सुनो चाचा। हाँ। लाइसेंस लेकर थाने आ जाओ, साहब से बात कर लेना, जरा जल्दी करना, देर की तो FIR कट जाएगी तुम्हारे बेटे के खिलाफ। मैं थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ। ठीक चलता हूँ। अलमारी में ढूंढ रहे हो तुम, कोई खजाना है इसमें क्या? अपनी फूटी हुई किस्मत ढूंढ रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास बंद करो, ये मुनीर मेरा पिस्तौल लेकर कहाँ गया? पिस्तौल तुम्हारा अलमारी में होता है, मुनीर क्यों लेके जाएगा? अलमारी में नहीं है, अभी थाने से पुलिस वाला आया था, कह रहा था कि साहबजादे हवालात में बंद है। हाय मेरा बेटा थाने में बंद है, उसको लेकर आओ वरना पुलिस वाले मार मार के उसका हशर कर देंगे। काश ऐसा होता। कैसे बाप हो तुम, बेटा थाने में और इस तरह की बातें कर रहे हो। मैं पूछता हूँ उन्हें मेरा पिस्तौल यहाँ से कैसे लेकर चला गया और तुम्हें खबर तक नहीं हुई, लाइसेंस भी नहीं मिल रहा। अच्छा हटो मैं ढूंढती हूँ, हट। और देखो अगर लाइसेंस नहीं मिला ना तो उसके खिलाफ नाजायज इसलाह की FIR कट जाएगी, फिर अपने बेटे को जेल में ले जाकर रोटियां खिलाना, समझी? कैसी बात कर रहे हो तुम। क्या खाकर पैदा किया था उसे? ये देखो, ये तो नहीं है लाइसेंस? हाँ यही है। बस ऐसा करो जाके जल्दी से मेरे बेटे को लेकर आ जाओ। और सुनो अब तुम मेरे और मुनीर के बीच मत ना, रही सही इज्जत को खाक में मिला दिया उसने। आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। क्या हो गया बाप, पिस्तौल ही तो बरामद हुआ था, लाइसेंस दिखा दिया उनको, छोड़ दिया उन्होंने। मेरा पिस्तौल लेकर गया था, कहां लेकर गया था मेरा पिस्तौल? बोल क्या मेरा मुनीर, बेटा तुझे पुलिस वालों ने मारा तो नहीं? नहीं पुलिस वालों ने तो नहीं मारा, लेकिन मैं मार मार कर इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे वो तो मेरा जान पहचान वाला निकल आया थाने में, वरना हजारों रुपए रिश्वत देनी पड़ जाती। हाँ तो ऐसी क्या बात हो गई,
अपनी इकलौती औलाद के लिए कुछ पैसे भी नहीं दे सकते? देखो जली इंसान को, है घर का सामान बेच दिया, कारोबार बर्बाद कर दिया और कहता है मैं थाने में रिश्वत भी दे दूं। लोग अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते, तुम इतना भी नहीं कर सकते? ये बिना लाइसेंस के पिस्तौल के साथ पकड़ा गया, कोई नेक काम करता नहीं पकड़ा गया। तुम हट जा पीछे, हट जाओ, तुम हट जाओ। छोड़ दे, खुदा का वास्ता इसको छोड़ दे, मैं इसको समझा लूंगी, ये समझ जाएगा। अभी तुम गुस्से में हो, जाओ जाओ। सकीना, खुदा की कसम किसी की नहीं होगी, हटो। मुनीर, रुक, मुनीर, मुनीर, कहाँ जा रहे पिस्तौल लेकर? ये पिस्तौल मुझे वापस दे दे। अब्बा, मैं आज आयशा को गोली मार दूंगा, अगर उसकी शादी मुझसे नहीं हुई ना तो जिंदा भी नहीं रहेगी। पागल हो गया क्या? पिस्तौल मुझे दे दे। अब्बा हट जाओ मेरे आगे से, वरना क्या, वरना गोली मारेगा। मार मुझे गोली, मार। मुनीर, पागल हो गया क्या? दे दे पिस्तौल। हटे गोली से, पिस्तौल मुझे दे दे मुनीर। आइए चलो जल्दी करो हमें।